हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़े में आग से भैंस और बछड़ा जिंदा जला, बिनौल में दो बाड़ों में लगी आग से मचा कोहराम, पानी के टैंकर से बुझाई आग, हजारों का नुकसान। थाना अंतर्गत बिनौल गांव में गुरुवार मध्य रात्रि को स्वर्गीय करण सिंह के बाड़े में अचानक लगी आग से अफरा तफरी मच गई। आग से एक भैंस व एक भैंस का बछड़ा जिंदा जल गया, जिसे सनसनी फैल गई। गांव के भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आग के कारणों का पता नहीं चला। आग लगने से बाड़े में बंदी भैंस और बछड़ा जिंदा जल गया तथा एक भैंस ने रस्सी तोड़ाकर अपनी जान बचा ली। वहीं आग से बाड़े में रखी दो ट्रैक्टर लकड़ियां एवं तीन ट्रैक्टर ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया। आग पास में ही स्थित दिनेश पालीवाल के बाड़े में भी लग गई, जिसे बाड़े में रखा ट्रॉली चारा जल गया। मध्य रात्रि को बाड़े आग की निकलती लपटों को देखकर गांव में कोहराम मच गया। सूचना पर ग्रामीणों ने पानी के बर्तन डाले एवं पानी के टैंकर से चार घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग को लेकर उप जिला प्रमुख सोनी देवी गुजर, भंवरलाल गुजर, सरपंच रामलाल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने परिवार के लोगों को घटना को लेकर ढांढस बंधाया। वहीं ग्रामीणों ने परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए मुआवजा दिलवाने की मांग की है। मौके पर कुवारिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। आग बुझाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। मौके पर भू अभिलेख निरीक्षक कमलेश बिरावल ने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंची और आगजनी से हुई घटना का मौका देखा और मौका पर्चा तैयार किया गया। वहीं भेष और बगड़ी का पशु चिकित्सालय द्वारा पीएम की रिपोर्ट तैयार कर परिजनों को मुआवजा का आश्वासन दिया गया। मौके पर सरपंच रामलाल गुर्जर व उप सरपंच परिणीति भूपेंद्र सिंह व पूर्व उप सरपंच खुमानगिरी देवराज सिंह व जयदीप सिंह, राजेंद्र सिंह, विकास दवे, गोपाल सिंह, रंजीत सिंह, लक्ष्मण सिंह, भीम सिंह आदि ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अग्निशमन के टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन नहीं लगने से दमकल नहीं पहुंची। चार घंटे की मदद से आग पर काबू पाया गया। मौके पर कई ग्रामीणों का तांता लग गया। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।